गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ERP की क्लास एच पटना। आज हम लोग जानेंगे सीटेट के बारे में। सीटेट का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें आप लोगों को मैसेज आ रहा है, फोटो रिलेटेड इशू आ रहा है कि आप लोगों को मैसेज भी दी, पर्सनली मैसेज भी आ रहा है सबका। डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि आप लोग क्या करिए, अपना फोटो को चेंज कीजिएगा। क्या मैसेज आ रहा है उस सब मैसेज को सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डियर एप्लीकेंट, डियर एप्लीकेंट फॉर एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर आपका दिया रहेगा यहाँ पर। ए डिस्पेंसरी सी डिस्पेंसरी मैंने हैज़ बिन फाउंड इन योर फोटो स्कैन इमेज, आपका इमेज जो है कि आप गलत तरीके से अपलोड किए होंगे या धुंधला होगा, वहाँ से आप लोगों को अगर इसको अगर चेंज नहीं करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। 110% आप लोग लिख लीजिए, पहले से ही आपको रिजेक्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। जो भी जिनका भी मैसेज आ रहा है डियर एप्लीकेंट फॉर एप्लीकेशन नंबर डिस्क्रिप्टेंसी हैज़ बिन फाउंड इन और अपलोड फॉर स्कैन इमेज काइंडली विजिट, काइंडली देखिएगा क्या दिया हुआ है, काइंडली विजिट http://seated.nic.in एंड रिमूव द इमेज। इमेज को सबसे पहले रिमूव करना है, डिस्क्रिप्टिव जो इमेज जो खराब इमेज जो अपलोड हुआ है उनको क्या करना है, रिमूव करना है। और दिया हुआ सीटेट December 2022, इसका एग्ज़ाम जो है दिसंबर मार्च में। देखिए क्या दिया हुआ, इसका हिंदी में हम लोग समझते हैं। सीटेट अपडेट, पूर्ण रूप से आवेदन किए हुए व्यक्ति को फोटो या हस्ताक्षर सुधार हेतु CBSE की तरफ से संदेश प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आप अपना फोटो या हस्ताक्षर किसी भी क्वालिटी को माने कि फिन से क्या करेगा, अच्छी क्वालिटी में क्या करिएगा, अपडेट करना है, अन्यथा जो होगा आपका रिजेक्ट हो सकता है। अब एक बात और आ रही है इसमें, क्या आ रही है कि बहुत से लोग जो हैं कि फ़ोटो तो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, फ़ोटो सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ से आगे सबसे पहले आपको रिमूव फ़ोटो करना है, ठीक है, वहाँ पर जाइएगा रिमूव फ़ोटो करना है। रिमूव फ़ोटो करने के बाद आपको क्या करना है, न्यू फ़ोटो जो है कि क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद भी अगर मैसेज आपके पास आ रहा है तो आप लोग वेट कीजिएगा, वेट कीजिए एक दिन दो दिन, अभी समय कितना तक है, 30 नवंबर तक आपका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है। जब तक वहाँ से अपडेट नहीं होगा तब तक आपके पास मैसेज आएगा, बोल रहे हैं कोई कोई बोल रहे हैं कि एक बार मैंने हमने कर दिया अपलोड, फिर से मैसेज आ रहा है, तो मैसेज जब तक अपलोड वहाँ पर अपडेट होने दीजिए, अपडेट होने में समय लगेगा 1 से 2 दिन, उसके बाद आप खुद चेक कीजिएगा, वहाँ पर लॉगिन कीजिएगा तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा इशू नहीं देखने को आपको मिलेगा, देखिएगा। और एक बात है क्या कि सीट तो सभी जगह ऑलमोस्ट जो है कि बिहार का तो फुल हो चुका है, बिहार में तो सीट एक भी नहीं बच रहा, ये तो आपका डाटा था 7-8 तारीख को ही, 7 तारीख को यहाँ पर फुल हो चुका था। अब जो है कि यूपी में भी जो है कि बनारस, आपका बनारस प्रयागराज ये सब जगह फुल हो चुका है। अब लोग बिहार वाले जो नज़दीक में डाल सकते हैं, कहाँ डाल सकते हैं, वेस्ट बंगाल या तो डाल सकते हैं या तो आप झारखंड डाल सकते हैं, झारखंड में भी सीट खाली है, ये भी 1-2 दिन में क्या होगा, फुल हो जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो आप लोग फॉर्म डाल दीजिए, कोई भी परेशानी अगर हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप लोग को नोट करा देते हैं 8210145884, इस पर आप लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 82-101-45-884, कोई भी प्रॉब्लम हो फोटो अपलोड करने में भी, कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो, हर समस्या का हम समाधान आप लोग को करेंगे, जितना जल्द से जल्द हो। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर आपका हुआ कि नहीं, किसी का अगर हो गया तो वो भी बता सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।